सेरिब्रम बोला, चलो आप सोते हैं, आपकी इच्छा है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप जरूर ये पढ़िएगा, ज्योग्राफी हम स्टार्ट करने वाले हैं इटेरिया का, आपके कम से कम आने वाले भविष्य में या कहीं भी आप जाते हैं या ऑलरेडी आपका है, तो यहाँ 15 से 20 नंबर का आपको बेनिफिट होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, ऑलरेडी मैंने इसको कंप्लीट करा दिया था, बिहार का भूगोल, इसको बाद में हम एडिट करके इसको प्ले लिस्ट में हम डाल देंगे, उसको आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिहार का भूगोल। बिहार का भूगोल यानी हम बिहार का ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे इडिटेरिया। अगर आप घटना चक्र देखेंगे, एससीईआरटी एनसीईआरटी ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो उसके भी साथ कुछ इसमें हम इनपुट करेंगे अपने एन से। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है, यह गंगा के मैदान में बसा हुआ एक समृद्ध क्षेत्र है। अगर देखेंगे इसकी जो जो है आपको इनपुट अपने तरफ से डालते हैं, मैदानी क्षेत्र में होता है क्या है आपको, जब आप किसी भी सर में जम्मू कश्मीर का एग्जांपल ले लीजिए, जम्मू कश्मीर का ले लीजिए, लद्दाख का ले लीजिए, यहाँ पर जनसंख्या देखेंगे एज कम्पेयर टू यूपी बिहार में कम होती है। रीजन वाइज है कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या और वातावरण का बेनिफिट होता है, और ये यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि रहना और ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट मिलता है रहने खाने में सब कुछ में। 98 बन रहा है विकास सिंह यादव, 100% आपका हो जाएगा। चलिए विकास सिंह यादव ऑलरेडी आपने कई बार क्वेश्चन किया है, आई थिंक सो कनेक्टेड है काफ़ी समय से, आपका 100% चांसेस है, इवन आपका और भी चांसेस बनेगी क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। फ्रीडम फाइटर का टीजीटी में 75 में हो जाएगा, 75 में हो जाएगा। यह नेपाल के तराई क्षेत्र में, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से बिंद पहाड़ी और दार और वार के चट्टानी क्षेत्र ये तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित है। आपको बिहार जो अगर देखेंगे तो आपको पूरा आपका इंडिया का मानचित्र आप बनाएंगे, इंडिया का मानचित्र अगर आप बनाते हैं इस तरह से, तो ये कहाँ पर भाग में है, तो ये पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलेगा, यानी पूर्व साइड में, ईस्ट साइड में देखने को मिलेगा। चलिए तो यह किस भाग में मिलता है, तो आपको पूर्वी भाग में मिलेगा, जो भौगोलिक रूप से तीन भागों में विभाजित है। तो हम भागते हैं इसको, अगर बिहार का जो भौगोलिक अगर भौतिक विभाजन फिजिकल डिवीजन देखेंगे तो एक तो पर्वतीय तो या तराई क्षेत्र देखते हैं, जो कि आपको ज़्यादातर नेपाल के साइड में देखने को मिलता है। मैदानी भाग देखेंगे और ये पठार भाग देखेंगे। मैदानी पर्वतीय क्षेत्र में कौन है, सोमेश्वर की श्रेणी मिलता है, रामनगर धूम मिलता है, आपको धूम घाटी आपको देखने को मिलता है, ये सारे देख सकते हैं। सोमेश्वर की श्रेणी कहाँ पर, पश्चिम चंपारण के आसपास मिलता है, और धून घाटी ये आपका सारे ये पश्चिम चंपारण का भाग है और ये नेपाल से सटा हुआ भाग है। मैदान भाग उत्तरी गंगा मैदान है और दक्षिणी गंगा मैदान है, ये जो चलती है यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये यूपी से आता है ये घाघरा नदी और ये आपका सारे चीज़ मिलकर के गंगा नदी जो पटना से होते हुए आपका और ये लखीसराय होते हुए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र में जाकर नदी में जाकर के मिल जाती है, ये यहाँ से आती है गंग आपको मिल करके यहाँ पर प्रयागराज में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैदानी भाग में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर देखने को मिलता है, और पठार यहाँ के धारवाड़ चट्टान है, उसके बाद बिंद चट्टान देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, तो इसको हम एक बार बता देते हैं आपको फिर से एक बार पीछे, जितने सोमेश्वर सैनी कहाँ पर है, धूमघाटी कहाँ पर है, रामनगर धून कहाँ पर थी, ये सारी चीज़ मैंने बताया पश्चिम चंपारण में है। फर्स्ट लेक्चर को जो देखिएगा उसमें एक एक चीज़ मैंने आपको बताया, सारे जितने भी हैं प्रमंडल हैं, आपका प्रखंड है, आपका सारी चीज़ मैंने आपको बताया। घाघरा नदी यहाँ से आती है, घाघरा गंडक और द्वाल गंडक आपका नदी बनता है, गंडक कोसी द्वाल आपका, और ये कोसी जो है वो बिहार का सोक कहा जाती है, यहाँ पर से आपको निकल करके यहाँ पर आपको मिलती है। फिर कोसी महानंदा का द्वाब बनता है, द्वाब यानी कि दोनों नदियों का जो आपका बीच का रास्ता होता है उसको द्वाब कहते हैं, ये महानंदा है आपका, इस तरह से आपको महानंदा का ये पठार है, और ये मगध का मैदान बनता है। मगध जो आपका सारी चीज़ें हैं आपका नालंदा नवादा और गया ये सारे पार्ट हैं, ये दक्षिण पठार का क्षेत्र है, और ये अंग का मैदान है जो भागलपुर का साइड गया है, या गंगा सोन का उद्वाब है, और सोन नदी यहाँ पर जो हाजीपुर से होते हुए यहाँ पर जाकर गंगा में मिल जाती है। सर UBSC में आपका 60 में चांसेस बनता है नीरा कुमारी। चलिए नेक्स्ट है पर्वतीय तराई, तो पर्वतीय तराई के बारे में जानते हैं, इसकी हम व्याख्या जानते हैं, पर्वतीय तराई क्या है। पर्वतीय तराई क्षेत्र जो है बिहार के उत्तर पश्चिम में, आपको उत्तर पश्चिम मैंने आपको ऑलरेडी ये डायरेक्शन देख सकते हैं, इसको हम डाइवर्ट कर देते हैं दूसरे पेन से, रेड पेन कर लेते हैं, ये देख सकते हैं, ये आपका ये नॉर्थ है पार्ट, और ये आपका ईस्टर्न साइड है, ये आपका ईस्टर्न साइड है, और ये आपका है वेस्टर्न साइड, और ये आपका साउथ साइड है। तो ये आपका कौन सा साइड पड़ेगा, ये आपका नॉर्थ यानी नॉर्थ वेस्टर्न साइड कर सकते हैं, या फिर पश्चिम यानी वेस्टर्न नॉर्थ कर सकते हैं, यानी कि पश्चिम उत्तर साइड, ठीक है, दोनों साइड आप कर सकते हैं। तो उत्तर पश्चिम विभाग में भाग में पड़ता है, उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग पर अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना बताया गया है, तो 932
वर्ग किलोमीटर है। इसका कोई मुख्य विस्तार जो है मुख्य रूप से आपका पश्चिम चंपारण जिले में है। इसे तीन उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो सोमेश्वर श्रेणी में, जो आपको मैंने आपको बताया, ये सबसे पहले ऊपर का जो भाग होता है सोमेश्वर श्रेणी। ये क्वेश्चन भी आता है आपका कि सबसे ऊपर जो आपका श्रेणी कौन सा आता है, तो सबसे पहले ऊपर का जो भाग होता है ये देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम के साथ है, ये सोमेश्वर की श्रेणी है आपका। उसके बाद धून घाटी, उसके बाद रामनगर धून आती है। तो यहाँ पर देखते हैं सोमेश्वर श्रेणी है त्रिवेणी संगम पर का, ये नेपाल और बिहार की सीमा को निर्धारित करता है, यानी कि सीमा का भी ये बंटवारा करने का काम करता है, दो भाइयों के बीच में लड़ाई करने का काम करता है ये सोमेश्वर श्रेणी। भाई नहीं कर सकते, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। अभी आपका जमीन का बंटवारा भी आपका, यानी कि जो है नापन, यानी भी नक्शा बनना भी शुरू हो चुका है बिहार में। जिन लोगों को भी अगर दिक्कत आती है नक्शा या कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, जो भी जानकारी होगा मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। कई लोग कहे होंगे इवन 90% लोगों का बिहार में जमीन विवाद अभी भी है, और जमीन विवाद के कारण लोगों के बीच में खूनी झड़प होती है, मार होता है, कोई एक अपने चाचा को मार देता है, कोई भतीजे को मार देता है, कोई अपने क्या क्या कह सकते हैं इसका। मैंने हिस्ट्री आपको प्राचीन हिस्ट्री में बताया आपको, जिस तरह से बिंदुसार है अब अजातशत्रु को मार देता है, अजातशत्रु बिंदुसार को मारता है, उदयन आपके बाप को अजातशत्रु का, उसको पितृहंता वंश कहते हैं। ये सारे किसके कारण, शासन के कारण। सबसे बड़ा है कि आप मोह माया और कुछ नहीं है। चलिए दोनों आज ये जितने भी राजा हो, अकबर हो या सारे चंद्रगुप्त हो, सभी यहाँ से चले गए हैं। जमीन वहीं का वहीं रह जाता है। आप लोग फाइट करते हैं बेकार का चीज़ों के लिए, कीजिए आप अपने हक के लिए फाइट कीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अपने हक को कुछ छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सोमेश्वर की श्रेणी है त्रिवेणी संगम का, ये नेपाल और बिहार की सीमा को निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई जो है 874 मीटर है। ऊंचाई के बारे में ध्यान रखिएगा, 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन अगर पूछता है सबसे बिहार की ऊंची चोटी कहाँ पर है, तो सोमेश्वर श्रेणी में देखने को मिलता है, त्रिवेणी संगम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रामनगर धून। ये इसका विस्तार जो है हरहरा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई जो है 240 मीटर है। कितनी ऊंचाई है, 240 मीटर है। ये आपका 874 था सोमेश्वर श्रेणी, याद रख करा रहा हूँ बार बार आपको बोल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धून घाटी, इसका विस्तार है सोमेश्वर श्रेणी और राम धून के बीच में है। ये देख सकते हैं आपका, ये दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा, राम धून और आपका सोमेश्वर के बीच में धून घाटी को देखने को मिलता है। ये दोनों के बीच में पड़ता है धून घाटी, जो किस बीच में, दोनों के बीच में पड़ता है। और इस घाटी की जो है को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। हरहरा जो आपका हरहा नदी है उसी के बीच में पड़ता है। अब मैदान के बारे में पढ़ते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। मैदान क्षेत्र है बिहार के कुल भूभाग का लगभग 96% प्रतिशत जो है मैदानी भाग है। अगर आपको पूरा, अगर आपको 100 रुपया मिलता है, 100 रुपया में अगर ये आपका बिहार का लगभग यही आयताकार आपका डायरेक्शन होता है, ज़्यादातर भाग है आपका 96% है आपका, 4% ही आपका जो बाकी क्षेत्रों में है। इस मैदानी भाग का जो निर्माण है जो कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है। किसके निक्षेपण से हुआ है, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों से निक्षेपण से बनता है। इस मैदान के मध्य से गंगा बहती है, बीचों बीच आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया भी है, बीचों बीच आपका गंगा नदी यहाँ से जाती हुई देखने को मिलती है। बीच में आपका इवन एक डिवाइडर का भी काम करता है आपका, गंगा नदी जो है आपका उत्तर को दक्षिण से बांटने का काम करता है। कई लोग आप देखे होंगे, एक मैथिली बोलने वाले होते हैं, एक भोजपुरी बोलने वाले होते हैं, एक मगही बोलने वाले होते हैं, अंग के वाले, अंग ये सारे जो होते हैं यहाँ पर बोलते हैं भी, ये गंगा के उस पार वाले छो, इस गंगा के इस पार वाले छी हैं, ये सारे भाषा भी यहाँ पर चेंज हो जाती है 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में। आगे बढ़ते हैं। हाँ कैसन छी, हाँ वो गंगा के उस पार जाएंगे तो इस तरह से छी, यानी मैथिली भाषा, उनकी अलग एक टोन होती है, अलग एक भाषा होती है जो कि अच्छा लगता है सुनने में आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। गंगा के नदी के अवस्थिति के आधार पर इसे दो उपवर्गों में विभाजित करते हैं। तो एक तो उत्तरी गंगा का मैदान कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, ऑलरेडी मैंने बताया उसको विस्तार से हिंदी में पढ़ते हैं, यानी कि जो लिखा हुआ गंगा के नदी से उत्तर में जो आपको ऊपर के साइड है नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण यानी या उत्तर से पश्चिम के दक्षिण पूर्व की ओर है। ढाल अगर आप देखेंगे तो उसका ढाल जो होता है हमेशा यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम से, इनकी जो ढाल देखने को मिलेगा उत्तर से दक्षिण की ओर, इस तरह से आपको ढाल देखने को मिलेगा, यहाँ से ढाल आपको मिलती है, यानी सभी यहाँ पर बहकर के मिट्टियाँ जो है, जब भी कोसी नदी या नेपाल से जो पानी आती है ये बहकर के यहाँ पर ढाल बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। यस नो में भी जरूर आप जो लोग अभी हैं रेस्पॉन्स करते जाइएगा, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1% भी अगर आ रहा है तो हाँ या बताइएगा। नेक्स्ट है, इस मैदान को तीन दोआबों में, यानी जो आपको दो नदियों के बीच का रास्ता को दोआब कहते हैं या जो घाट बन जाता है,
नीचे ऐसा जो मिट्टी का सैलाब बनता है उसी को दोआब कहते हैं। दोआबों से तात्पर्य है कि दो नदियों के बीच की, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ फिर भी आपको भी पढ़ के बता रहा हूँ, दो नदियों के बीच की भूमि या मैदान को कहते हैं। दो नदियों के बीच, मान लीजिए आपका गंगा है या कि सोन नदी है, ये आपका गंगा यहाँ से चल गई, मैं एग्जाम्पल के तौर पर गंगा यहाँ से बह रही है और यहाँ से आपका सोन निकल के आ गए, इस जो बीच का रास्ता जो बना है यहाँ पर इसको दोआब कहते हैं। ठीक है, इसमें दो राव, जिसे आपका और आपके भाई के बीच में झगड़ा हो गया तो बीच में कहता ना एक गली छोड़ दे मेरे लिए, इसमें मैं भी जाऊँगा तुम भी जाओगे, तो वही है। ये सभी जो है दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा के लिए एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि ये जो जब ये दोआब बनती है यानी जो रास्ते बनते हैं दोनों को बेनिफिट होता है। इसमें जलोढ़ मिट्टी जो आती है बहुत ज़्यादा इसमें उर्वरता होती है और उसमें खनिज का उत्पादन और ये उर्वरता के कारण जाने जाते हैं। ये कौन कौन से है, तो घाघरा गंडक के दोआब मिलते हैं, सो जो आपका ये उत्तर प्रदेश से ये आती है घाघरा गंडक, इसको थोड़ा क्लियर कर लें ताकि अच्छे से समझ आएगा। क्लियर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अपने आप को तपाइए, इतना ज़्यादा तपाना है, इतना ज़्यादा तपाना है, जब आप जितना ज़्यादा तपाइएगा उतने आप चमकेंगे। हीरा सोना इसी तरह से बनता, देख सकते हैं ये घाघरा है और ये आपका गंडक का, ये दोनों के बीच में जो आपका ये देख सकते हैं घाघरा और यहाँ पर जो आपका गंगा के बीच में ये जो बनती है आपका दोआब लगभग आपका बक्सर से, ये सारा चीज़ें आपको और ये उत्तर प्रदेश से आती हुई ये इसको बनता है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, घाघरा गंडक का दोआब मिलता है, गंडक कोसी का दोआब मिलता है, कोसी और महानंदा का भी आपका दोआब मिलता है। तो जहाँ जहाँ पर जो नदियों के, जैसे ये दोआब हो गया महानंदा का, ये आपका यहाँ पर ये कोसी का महानंदा का दोआब मिला, दोआब आपको दोआब का क्लियर हो गया, ये गंडक कोसी का दोआब है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं घाघरा और गंडक का दोआब मिल चुका है। तीन आपको दोआब में आपको बिहार के परिपेक्ष में पढ़ना है, इंडिया के जब हम बताएंगे, आपको ऑलरेडी एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ा चुके हैं तो उसको आप देख सकते हैं। दक्षिण गंगा का मैदान जो हम बनते हैं, दक्षिण गंगा का क्या होता है, गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी और पहाड़ी क्षेत्र के मध्य के दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा होता है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के बड़ी निरी निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र को तीन उपवर्गों में बांटा गया है, एक तो गंगा सोन दोआब हो गया, मगध मक्का मैदान हो गया, अंग का मैदान हो गया। यहाँ पर हम आपको डायग्राम से दिखा दे सकते हैं, ये आपका जो दोनों के बीच में देख सकते हैं ये सोन नदी है और ये आपका ये पठारों के बीच में एक निकलती हुई आपका मगध का मैदान बनता है, एक अंग का आपका जो भागलपुर के आसपास अंग का यहाँ पर मैदान बनती है और एक दक्षिण पठार का जो आपका झारखंड को डिवाइडेड करने का भी यहाँ पर काम होता है, यानी कि डिवाइडेड करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे से क्वेश्चन आते हैं, आपको ये डायग्राम इसलिए बताए जा रहे हैं, आपको जब क्वेश्चन आएंगे कि किस परिपेक्ष में है, कौन से डायरेक्शंस में है, क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन आती है। क्वेश्चन का भी हम ऑलरेडी घटना चक्र करवा चुके हैं, फिर भी हम एक बार दो बार तीन बार आपका करवाएंगे, जब तक आपका एग्जामिनेशन आपका क्लियर ना हो जाए TRE 4 के लिए भी करवाएंगे, डोंट वरी, आप बस निश्चिंत रहें। अगर आप इसमें कनेक्टेड हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होते रहेगा, पर डे आपको बेनिफिट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कई चीज़ें आपको मिलेगी। पठारे है बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र हैं जो कि झारखंड से सीमा साझा करता है। पठार के बारे में अभी मैंने बताया, ये सारे जो पठार हैं आपके डायग्राम के साथ बता रहा हूँ आपको, ये देख सकते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र है आपका, ये आपका ये झारखंड यहाँ पर आ जाता है, झारखंड जो कि 45% अपना क्षेत्र लेकर के 45.8% के आसपास क्षेत्र लेकर के वो डिवाइडेड हो गया था। कब डिवाइड हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो लोग अभी एक्टिव हैं, जो सोए हुए हैं, जो लाल पीला हरा के चक्कर में अभी नहीं फंसे हुए हैं, जो वे भी सोना नहीं कर रहे हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने परसेंट कब हुआ था बिहार झारखंड से डिवाइडेड, कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को, और ये बिरसा मुंडा का जन्मदिन है इसीलिए 15 नवंबर को इसी दिन डिवाइडेड करने का डिसीजन लिया गया था। दक्षिण में स्थित है जो पठारी क्षेत्र में दो क्रम में चट्टाने अवस्थित होता है, एक तो धारवाड़ चट्टाने होता है, धारवाड़ चट्टाने में जो आपका जो क्षेत्र आता है मुंगेर लोकसभा आपका था, जमुई नवादा और गया ये सारे लोकसभा आते हैं, इस धारवाड़ चट्टाने यहाँ पर पाई जाती है। ये डायग्राम भी देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन आए धारवाड़ चट्टाने किस क्षेत्र में पाई जाती है, आप लोग को ऑप्शंस मिलेगा कि मुंगेर है, पटना है, भागलपुर है, ABC लंदफन देवानंद सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको अपने ऑप्शंस को आपको छानना है, आपको अपने जो भी ऑप्शंस हैं उसको आपको फिल्टराइजेशन करके आपको टिक करना है। आप लोग को पता है कि ABCDE चार ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है, उन चार ऑप्शंस में आपको ई जो ऑप्शन होता है वो आप लोग के लिए नहीं होता, हालांकि ये ई ऑप्शंस की संख्या जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 ये होते हैं, तो उसको सही से मारा कीजिए। ये BPSC अपने लिए बना कर रखती है, इस बार भी TRE 3 का आपका रिजल्ट जब जारी होगा तो जो भी कन्फ्यूजन होगा या गलत क्वेश्चन BPSC जानबूझ कर दिया है होगा, आप लोग को पता होगा, जिसके आंसर कहीं भी नहीं मिल रहा होगा, ना SCERT NCERT ना YouTube वाले कोई भी टीचर्स बता पा रहे होंगे, वो अपने लिए सेव कर बना करके ई ऑप्शन लगा दिया है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक,
आप कंफ्यूज होते रहिए, वो मज़े लेते रहेंगे। चलिए, हालांकि बीपीएससी 17 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें चार ही ऑप्शंस मिलेगा, ए बी सी डी ई डी तक ही मिलेगा और उसमें निगेटिव मार्किंग है, तो उसमें दशमलव रिजल्ट आते हैं। चलिए, तो धारवाड़ का हम चट्टाने के बारे में जान रहे थे। धारवाड़ चट्टाने जो देखने को मिलते हैं कौन से क्षेत्र में, तो आपका मुंगेर में मिलता है, जमुई में मिलता है, आपका नवादा में मिलता है, गया में मिलता है। इसका फर्स्ट पेज आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट पेज अगर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डायग्राम क्लियर अच्छे से होना जरूरी है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपको मानचित्र से जान पहचान ना हो तो समझ लीजिए आप क्या पढ़ रहे हैं। जैसे अगर आप शोले मूवी देख रहे हैं और आप गब्बर के बारे में जानते ही नहीं तो क्या फ़ायदा। चलिए, ये आपका क्षेत्र है, सारे चीज़ें ये देख सकते हैं, ये आपका क्षेत्र है, ये आपको ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में लिया था। ये जितने भी क्षेत्र यहाँ पर जो है गंगा में जाती है और यहाँ से पटना आपका है, ये सारे क्षेत्र हैं आपका जो आपका विभिन्न धारवाड़ चट्टानों के लिए देखने को मिलता है, ये सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। चलिए, इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ऑलरेडी मैंने 50, 51, 52 पेजों तक कंप्लीट करा दिया, ज्योग्राफी हिस्ट्री कंप्लीट करा चुके हूँ और आपका अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं ज्योग्राफी। 7-8 दिनों में ये भी हम 20-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे लेकर के इसको भी हम अच्छे से कंप्लीट कर देंगे, ये सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी अच्छे से आपको क्लियर किया गया, नालंदा हो गया, ये आपका आपका मुंगेर जमुई यहाँ पर ही देखने को मिलता है, ये सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, जोन के बाद जो आपको दिखाएंगे सारे चीज़ आपको कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर से बताते हैं, आपका धारवाड़ चट्टाने कौन सा है, मुंगेर जमुई नवादा गया, याद रखिएगा मुंगेर जमुई गया नवादा आपको याद हो गया, अगर याद नहीं कुछ नहीं होता, अगर क्वेश्चन आता है 2 से 3 बार इसको देखिए। बिंदे चट्टाने कैमूर और रोहतास में है, अगर कई लोग होते हैं साइंस वाले बैकग्राउंड से SST से डरते हैं और या SST वाले साइंस से डरते हैं तो कुछ नहीं, उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर उसी को आप 40 बार, कई होता है ना किसी को फर्स्ट टाइम अगर लव होता है तो क्या करते हैं उसी को उसी के घर के आसपास में 4 बार लोग 10 बार पीछे 50 बार 100 बार मंडराते हैं ताकि वो उसके गली उसके मामा पापा सभी याद हो जाते हैं। उसी तरह अगर आपको फिजिक्स समझ नहीं आ रहा है तो फिर इसको आप 50 बार समझिए, 50 बार उसी वीडियो को देखिए, उसी बुक्स को आप बार बार पढ़िए या लिखिए, उसको समझिए तो आपको याद हो जाएगा। नहीं कुछ होता है तो आपके दिमाग में छप जाएगा क्या अगला स्टेप्स क्या होने वाला है, इसके क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से सलगम आपका जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चोड़ या क्या कह रहे हैं इसको फिर से बताते हैं, इसको बताते हैं, अरे इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम चोड़ या मन कहा जाता है। बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र जिसे आपको आप देख सकते हैं नॉर्थ बिहार में जितने भी भाग है नॉर्थ बिहार में यहाँ पर जलमग्न हो जाता है, अभी देख सकते हैं जलमग्न की अभी स्थिति है। और आपका जब जलमग्न यानी कि जून से देखेंगे जुलाई से लगभग आप जुलाई से लेकर सेप्टेम्बर तक बारिश का सीजन होता है और यह जलमग्न होती है पूरा सीजन, तो वहाँ पर जलमग्न की भूमि को क्या कहते हैं चौड़ या मन के नाम से जानते हैं। चौड़ या मन के गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहते हैं, इसको दियारा प्रदेश कहते हैं। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चौड़ या गो आपको जैसे मैंने बताया उत्तरी भाग में जाता था, ये जो आपका देखने को मिलेगा पूर्णिया कटिहार ये सारे जो हैं जलमग्न यहाँ पर पाए जाते हैं, गोखुर जिले यहाँ पर रूप में पाए जाते हैं ये सारे चीज़ें। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चौर जो होते हैं गोखुर जिलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है, ये सारे टाल जो बढ़िया टाल देखेंगे आपने सुना होगा मोकामा टाल हो गया, ये सारे जो टाल क्षेत्र में जहाँ पर दलहन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। मैं आपको डायग्राम कैसे समझाता हूँ, जो बिहार से नहीं होंगे उनको थोड़ा दिक्कतें आएगी समझने में दिक्कत आएगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको हूँ यहाँ देख सकते हैं ये पटना का क्षेत्र है ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर आपका है, यहाँ से जो क्षेत्र चलती है यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाहर जो आपका मगध का ये मैदान देखने को मिलता है ये सारे टाल का क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो है दलहन की खेती पूरा बिहार को दाल खिलाने की कैपेसिटी रखती है और ये मोकामा का टाल हो गया, बढ़िया का टाल हो गया, ये आपका बाढ़ तक यहाँ पर अपना आपके बख्तियारपुर तक ये फैली रहती है, ये सारे टाल आपका क्षेत्र देखने को मिलता है। चलिए टाल क्षेत्र इसको कहते हैं, किसको टाल क्षेत्र कहते हैं, मैंने डायग्राम से आपको बताया आपको क्लियर हो पाया होगा, यस नो में भी आप जरूर बताइएगा आपको समझ आया कि नहीं आया, मैं आपको दोबारा बताऊँ और दूसरे तीसरे चौथे तरीके से बताऊँ बताइएगा, यस नो में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना समझ आना चाहिए, दिमाग में छपना चाहिए, ये नहीं कि हम अभी 5 घंटे कई लोग मैराथन क्लासेस लेते हैं 10 घंटे के लिए, आप लोग सच सच बताइए जो 10 घंटे का होता है क्या 10 घंटे आप पूरा कंप्लीट देख पाते हैं, कई कोई नहीं देख पाता, स्टार्टिंग का 2 घंटा एनर्जी रहता है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हैं देखते हैं उसका स्क्रीन शॉट लेते हैं फिर
बैटरी डाउन, फिर ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए छोटा छोटा उसको आप बनाइए। अगर तो किसी का मैराथन क्लासेस लेते हैं, हालांकि मैंने भी कई क्लासेस लिया है और उसका प्ले लिस्ट बनाया, दो दो तीन तीन घंटा, चार चार घंटा TRE 1 और TRE 2 के दौरान देखेंगे, तो मैंने ऑडियो वीडियो फॉर्मेट और PDF फॉर्मेट में सारे फॉर्मेट को यूज़ किया था स्टार्टिंग से, जब मैंने आपको यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया था एक्टिवली आपको पिछले साल से, तो आपको देखेंगे तो मैंने भी तीन तीन चार चार घंटा, बट मुझे पता है 3 घंटा किसी की कैपेसिटी नहीं होता कि एक साथ अपने कंसंट्रेशन को बना कर रखने। इसे शॉर्ट रखिएगा, 30-40 मिनट रखिए। आप पढ़ने का भी ड्यूरेशन आप जब बनाते होंगे, टेबल कुर्सी पर बैठते होंगे, तो 40 से 50 मिनट का ही स्टडी बनाएगा। हाँ, ये 50 मिनट में हम ये टॉपिक ख़त्म करके उठेंगे या उठूँगा या उठूँगी, जो भी आप बनाते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी शॉर्ट ही रखेंगे, वीडियो को ज़्यादा हम नहीं करेंगे, यहाँ तक बहुत है आज, फिर बिहार की जलवायु कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है उत्तरी गंगा का मैदान है, बाढ़ का विशेष के लिए आपको विशेषिका के रूप में इसको जाने जाते हैं, और प्रकार, उसके बाद निर्माण काल, क्षेत्र और विशेषताओं के बारे में जानते हैं। धारवाड़ के बारे में मैंने बताया आपका, प्री कैम्ब्रियन काल में होते, इसका क्षेत्र मुंबई, जमुई, नवादा, गया, राजगिरी, ये क्षेत्र मैंने बार बार बताया, आपको याद हो गया होगा। बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र इसी में पाई जाती है, या बिहार का सबसे, इवन कह सकते हैं इंडिया का सबसे पुराना क्षेत्र आपका जो राज्य होता है मगध राज्य से कोरिलेट करके इसको याद रखिएगा, मगध क्षेत्र में ही आता है सबसे बड़ा, और ये मगध क्षेत्र पूरे अखंड भारत का निर्माण यहीं से हुआ था, फिर से हो सकता है और फिर से हो सकता है, ये मगध का क्षेत्र यही आपका है, जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य, आपका चाणक्य, उदयन, बिंदुसार, अजातशत्रु कभी राजगीर राजधानी थी, फिर आपका पाटलिपुत्र बनाया गया, फिर आपका पाटली शेरशाह सूरी, यही यहीं से उठ करके पूरे इंडिया को राज करने की कोशिश प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन से लेकर के आधुनिक भारत की इतिहास यहाँ पर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हिस्ट्री को आप जो है अलग सब्जेक्ट मत मानिए, हिस्ट्री और आपको ज्योग्राफी सब कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आपको रिलेशन बना रहेगा, इसलिए बता रहा हूँ। बिंध्य आपका जो है प्री कैम्ब्रियन काल का, इसका निर्माण काल कब, यानी कि कब बना था ये कैम्ब्रियन, जो आपका जो आप काल जो बनाया जाता है, इसमें ज्योग्राफी के टर्म जो होते हैं, अगर एक दो साल, अगर एक दो वर्ड बोला गया तो समझिएगा 1-2 लाख साल पुरानी बातों की हम कर रहे हैं, कब से इंसानों का जन्म हुआ, कब से हम लोग हैं, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। बिंध्य जो आपको देखने को मिलता है, बिंध्य आपको कहाँ पर, तो कैमूर और रोहतास में मिलता है। कैमूर और रोहतास आपको डायग्राम में देखें तो ये उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ ये क्षेत्र रहता है इस यहाँ पर आसपास में। चलिए कैमूर और रोहतास, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसको कंप्लीट करते हैं। ये दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र था, पहला तो आपको मैंने बताया धारवाड़ है, दूसरा आपका बिंध्य है, तीसरा आपका ये दे सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सीमेंट उद्योग यहाँ पर ज़्यादा होता है, चूना पत्थर के लिए यहाँ पर प्रसिद्धि यहाँ पर पाई जाती है। टर्सरी जो होगा, यानी कि टर्सरी नाम से ही पता चल रहा है, टर्सरी यानी तीसरा ही होगा, ये प्लास्टोसीन के नाम से इसका काल है, इसका प्लास्टोसीन के काल को जानते हैं, इसको प्री कैम्ब्रियन जानते हैं, इसका प्री कैम्ब्रियन रहता है। प्लास्टोसीन यानी पश्चिमी चंपारण में आपका देखने को मिलता है, पश्चिमी चंपारण आपको नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर ऊपर में दिखेगा, आपको कहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न साइड में दिखेगा, अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये आपका सोमेश्वर पहाड़ी जो सबसे आपको ऊपर का भाग है, आपको दिखाई देता हूँ, बाद में बोलेंगे भैया आपने बताया, ये देख सकते हैं, ये आपको सोमेश्वर की पहाड़ी है, ये पश्चिम चंपारण का क्षेत्र है। आई होप क्लियर हो पाया होगा, यस नो में भी जरूर बताइएगा, हाँ या ना। चलिए एक दो लाइन और है, ये सबसे नवीन पहाड़ी है बिहार का, अगर देखेंगे तो सबसे नवीन पहाड़ी ये टर्सरी है। नया इसलिए कहेंगे, जो बच्चा अभी पैदा हुआ, मान लीजिए आपके 4 बच्चे हुए, जो नया नया अभी पैदा हुआ 2 महीना पहले, उसी को कहेंगे ना, ये तीसरा बच्चा आपका, मान लीजिए ये तीसरा बच्चा आपके घर का, परिवार का। प्लास्टोसीन ये पश्चिम चंपारण का, इसमें सब पहाड़ी, ये सबसे नवीन पहाड़ी है। उसका क्वार्टरनरी जो होता है, क्वार्टरनरी यानी नाम से पता चल रहा है, क्वार्टरनरी यानी चौथा भाग होगा, यानी प्लास्टोसीन एवं ग्लासिटोनून के बीच में रहता है, होलोसीन और प्लास्टोसीन, ये गंगा का मैदान का भाग है। बिहार का अधिकांश भाग यही मैदानी भाग में पाता है, पाए जाते हैं, सॉरी, कृषि की सबसे प्रचुर मात्रा में उपयोगिता यहीं पर पाई जाती है। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा, ये लगभग आपका 20 से 30 मिनट मैंने बिहार का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल मैंने बताया होगा, कुछ तो समझ आया होगा, कुछ नहीं तो 1% तो आया होगा, फिर से इसको रिपीट करेंगे, फिर से बताएंगे, हो सकता है इसका मैं आपको अलग से आपको कट कर करके आपको फिर से मैं कल अपलोड कर दूंगा, किसी समय भी आप उसको एक बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, या फिर कई लोग हैं उसका प्लेलिस्ट घटना चक्र का, कई लोग हैं जो कि TRE 1 TRE 2 के दौरान से अभी भी कनेक्टेड होंगे, जो कि BPSC 17 के लिए प्रिपरेशन के लिए आप मोटिवेट करते रहते हैं, उसके लिए क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उन लोग को सजेस्ट करता हूँ आप SCERT NCERT जरूर पढ़िए। SCERT NCERT से संबंधित अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, आप 6 से लेकर 12 तक आपको NCERT का नोट चाहिए, जो कि हैंड रिटन नोट्स है, कुछ आपको मिलेगा, कुछ कंप्यूटराइज नोट मिलेगा, 6 से आपको कुछ MCQ आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और 6 से लेकर 10 तक का अगर आपको चाहिए SCERT का नोट्स, उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ अभी 99 रुपीज़ में आप प्राप्त कर सकते हैं, बाद में इसकी प्राइसेज हो सकती है, बढ़ सकती है,
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर कोई क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव अ नाइस।